डोली शर्मा के आने से तो और बीजेपी को फायदा हो गया मैडम। अच्छा? अतुल गर्ग जी को। अच्छा? डोली शर्मा जी पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी। हाँ जी। उनका कोई अपना वो है ही नहीं, तो अतुल गर्ग जी तो ये समझो मतलब एक निष्पक्ष उनकी टक्कर पर कोई है ही नहीं अब। अच्छा? वो तो बहुत पीछे है मैडम, बहुत पीछे है, काफी समय लगेगा जब तक मोदी है जब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप इतने प्रभावित हैं? मोदी जी ने वो काम कर दिया शायद कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी करे नहीं। मोदी के जो उसने किया है आज तक किसी ने किया ही नहीं है। तो क्या ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित हैं? उसका हर काम अच्छा लग रहा है, कोई भी जितने भी काम किया है सब अच्छे किया है, कोई गलत नहीं किया है। आज देश में जितना उसका नाम है वर्ल्ड में किसी का नहीं है। मैं तो इतने साल से देखता रहा हूँ, पहले कांग्रेस थी, एकदम बीजेपी आ गई। बीजेपी का क्या है, यहाँ गढ़ है, सब बीजेपी को पसंद करते हैं। यहाँ काम हुए हैं ऐसी बात नहीं है, मगर जो भी यहाँ खड़ा होगा वो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा गढ़ है। यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए वही जीतेगा, मोदी की वजह से, मोदी की लहर है। मुकाबला जो है बराबरी का होगा कि एक तरफा होगा जी? एक तरफा? हाँ जी, एक तरफा होगा, पक्का लिखवा लो हमसे। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस के पीछे का मतलब कारण? क्योंकि यहाँ से हमेशा ही जो भी है बीजेपी का ही जीता है, क्योंकि यहाँ ये पूरा गढ़ है, जो भी खड़ा होगा वही जीतेगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। इस वक्त हम आ चुके हैं गाजियाबाद और लगातार जो है अलग अलग लोकसभा सीट हम कवर कर रहे हैं और यहाँ की जनता का मूड जो है हम आप तक का पहुँचा रहे हैं, उनकी मन की बात जो है आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी बीच अब हम गाजियाबाद आ गए हैं। बता दें आपको, यहाँ से बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है उनका नाम है अतुल गर्ग, तो वहीं कांग्रेस ने डॉली शर्मा पर अपना भरोसा जो है एक बार फिर से जताया है। बता दें गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार जो है बीजेपी यहाँ से सरकार बना चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गाजियाबाद की जनता के मन में क्या है, क्या इस बार कोई बदलाव चाहती है या एक बार फिर बीजेपी को अपना जनाधार देने की तैयारी कर चुकी है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका मिजाज। अंकल जी, आपका नाम? भजन सिंह। अच्छा अंकल जी, एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ विपक्षी गठबंधन एनडी गठबंधन, क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा? मोदी की वापसी होगी। कारण? विपक्ष है ही नहीं। अच्छा, तो विपक्ष में जैसे तो बहुत सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी है और अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव भी है, ममता भी है। वो तो बहुत पीछे है मैडम, बहुत पीछे है, काफी समय लगेगा जब तक मोदी है जब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप इतने प्रभावित हैं? मोदी जी ने वो काम कर दिया शायद कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी करे नहीं। जैसे कुछ काम बताइए, क्या ऐसे काम है? हाईवे बना दिए और शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, एक जो आतंकवाद है ये गुंडागर्दी थी, बदमाशी वो सब खत्म कर दी। बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग इस बार उन्होंने बनाया है और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है डॉली शर्मा जी जो है, तो क्या लगता है कि कार्ड की टक्कर होगी या एक तरफा? डॉली शर्मा के आने से तो और बीजेपी को फायदा हो गया मैडम। अच्छा? अतुल गर्ग जी को। अच्छा? डॉली शर्मा जी पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी। हाँ, उनका कोई अपना वो है ही नहीं, तो अतुल गर्ग जी तो ये समझो मतलब एक निष्पक्ष उनकी टक्कर पर कोई है ही नहीं अब। अतुल गर्ग जी हैं, मतलब एक तरफा जीत हो, एक तरफा होगी बिल्कुल। अच्छा, गाजियाबाद की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा समर्थन जो है मिलता रहा है, बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है गाजियाबाद को, तो क्या ऐसा अगर आप कहेंगे स्पेसिफिक कारण है जिससे लगातार जो यहाँ की जनता है वो इतना समर्थन, इतना जनाधार बीजेपी को देती रही है? नहीं, क्या ना ये पार्टी ना मजबूत है, इसका जनाधार है अपना, काम करने के इसके अपने तरीके हैं, चेहरा नहीं देखती है पार्टी, और पार्टी का कुछ जनाधार नहीं है, कुछ चेहरा देखते हैं वो लोग, इसमें सबको एक साथ लेकर चला जाता है, वही वाली बात, सबका साथ सबका विकास। अंकल जी, आपका नाम? विजय शंकर साहू। चुनाव को लेकर दो चार सवाल पूछ रहे हैं, तो एक तरफ मोदी जी वापसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार के साथ वापसी करेंगे, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन है, क्या लगता है मोदी की वापसी या विपक्ष में कोई चेहरा? मोदी की। कारण अंकल? मोदी की जो उसने किया है आज तक किसी ने किया ही नहीं है। तो क्या ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित हैं? उसका हर काम अच्छा लग रहा है, कोई भी जितने भी काम किया है सब अच्छे किया है, कोई गलत नहीं किया है। आज देश में जितना उसका नाम है वर्ल्ड में किसी का नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ से जो है बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा अतुल गर्ग और कांग्रेस की तरफ से जो है वो डॉली शर्मा जी है, तो क्या लगता है कि मुकाबला एक तरफा होगा या कांटे की टक्कर होगी? देखो, कोई भी पार्टी हो सत्ता बीजेपी का ही आना है। हाँ जी, सरकार बीजेपी की बननी है। कितनी भी कौन से ऐसे फैसले हैं जिससे आपको लग रहा है कि शायद जो मोदी जी ने ये फैसले लिए हैं, बाकी अगर कोई पार्टी होती तो शायद ये फैसले नहीं ले पाई, इतने सालों से नहीं हो पाया? आज के दिन में किसी भी पार्टी में प्रधानमंत्री बनने योग आज के दिन में कोई भी नहीं है, मोदी के अलावा कोई भी किसी पार्टी में नहीं है। तो ये जो इंडी गठबंधन है जो एक साथ आए हुए हैं, उसमें भी कई सारे बड़े चेहरे हैं, कहा जा रहा था कि एक नाम वो भी निकाल कर सामने लाएंगे, राहुल गांधी है, अखिलेश है, तो ऐसे क्या लगता है कि कोई अखिलेश और राहुल गांधी तो बनने योग है ही नहीं है आज के दिन में?
बनेगी तो मोदी सरकार की ही बनेगी, कितना भी कोई भी पार्टी एक हो जाए अलग अलग लड़ ले बनेगी एक ही। आइए सर जी, तो ये जो पार्टियां एक साथ आई है अंकल, उससे जो ये पार्टियां एक साथ आई है, इससे क्या लगता है कि मोदी जी को कोई नुकसान होगा उनकी? कोई नुकसान नहीं उनके लिए, मोदी के लिए कोई नुकसान नहीं है, पार्टी उन्हीं की बनेगी। अंकल जी आपका नाम? हमारा नाम अजय अरोड़ा। अच्छा, हम सवाल पूछ रहे हैं कि अब चुनाव का जो है डेट्स के ऐलान हो चुके हैं, जल्द जो है लोकसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे, तो एक तरफ मोदी जी हैं वापसी की बात कर रही हैं, एक तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें कई सारे बड़े चेहरे हैं, क्या लगता है मोदी की वापसी होगी? अब विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा है? विपक्ष में तो कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि अगर बात कर ले गाजियाबाद की, तो बीजेपी का इसको गढ़ भी कहा जाता है क्योंकि कई बार जो है बीजेपी यहाँ से जीती है। कई बार नहीं है, 100% बीजेपी जीती है। हाँ जी, तो ऐसे में अब इस बार प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है लोकसभा की अगर टिकट की बात करें तो अतुल गर्ग को दिया है और कांग्रेस ने जो है डॉली शर्मा जी को दिया है, तो क्या लगता है बराबर की टक्कर होगी? अतुल गर्ग की ज़्यादा पहुंच है, बहुत ज़्यादा है। तो अतुल गर्ग आपको लगता है कि निकालेंगे? मेरे को लगता है, लगता नहीं 100%, क्योंकि डॉली का मुका उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, उनका हिसाब किताब बहुत बड़ा है, उनके पापा मेयर रह चुके हैं, तो उनको हराना आसान नहीं है। ये जगह बीजेपी की, आप खड़ी हो जाएंगी तो आप जीत जाएंगी। यहाँ पे कट्टरपंथी लोग हैं, वो बीजेपी को ही पसंद करते हैं। अच्छा, चेहरे से फ़र्क नहीं है? चेहरे से फ़र्क नहीं है, बीजेपी को लोग पसंद करते, कोई भी बैठ जाए। मैं तो इतने साल से देखता रहा हूँ, पहले कांग्रेस थी, एकदम बीजेपी आ गई। बीजेपी का क्या है, यहाँ गढ़ है, सब बीजेपी को पसंद करते हैं, और अतुल गर्ग को हराना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। मतलब एक तरफा आपको लगता है कहीं ना कहीं जान जो एक तरफा हो सकती है? एक तरफा ही होगा, देख लेना आप, क्योंकि उसकी जान पहचान बहुत है, उसके उठने बैठने के हिसाब किताब बहुत हैं, उनके पापा मेयर रह चुके हैं 15 साल, तो कुछ ना कुछ तो रुतबा है, तभी तो। अब डॉली शर्मा को तो आम लोग जानते ही नहीं, पिछली बार चुनाव में खड़ी हुई थी तो शायद हार गई, लेकिन इतना नाम नहीं है उनका, अतुल गर्ग के मुकाबले नाम नहीं है। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अतुल गर्ग को उतार कर भी एक आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गाजियाबाद के लिए? बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है। कि मतलब इस प्रत्याशी को उतारने से फायदा जो है बीजेपी को और ज़्यादा होना चाहिए। आपका नाम सर? जनक राज महाजन। अच्छा, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं वापसी के लिए, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है इंडी गठबंधन जिसमें कई सारे चेहरे हैं राहुल गांधी अखिलेश, तो आपको क्या लगता है मोदी की वापसी होगी अब विपक्ष में? बिल्कुल मोदी आएगा। अच्छा, पक्का। कारण? कारण क्या है, उसका विकास उन्होंने इतना अच्छा करा है, सब जगह विकास हुआ है, गाजियाबाद का भी विकास हुआ है, इस कारण वो आएगा ही आएगा। अच्छा, क्या जैसे गाजियाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी का इसे गढ़ कहा जाता है क्योंकि बहुत बार बीजेपी को जनाधार मिला है, कुछ स्पेसिफिक सर काम जो यहाँ पर हुए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मोदी के काम से जिससे कि आप प्रभावित हैं? यहाँ काम हुए हैं ऐसी बात नहीं है, मगर जो भी यहाँ खड़ा होगा वो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा गढ़ है, यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए वही जीतेगा। मोदी की वजह से, मोदी की लहर है। तो यहाँ से जैसे बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो अतुल गर्ग जी हैं और दूसरी तरफ डॉली शर्मा जी है, तो क्या लगता है मुकाबला जो है बराबरी का होगा कि एक तरफा? एक तरफा होगा जी। एक तरफा? हाँ जी, एक तरफा होगा। अच्छा, पक्का लिखवा लो हमसे। अच्छा, तो अंकल जी इतना कॉन्फिडेंस के पीछे का मतलब कारण? क्योंकि यहाँ से हमेशा ही जो भी है बीजेपी का ही जीता है, क्योंकि यहाँ ये पूरा गढ़ है, जो भी खड़ा होगा वही जीतेगा। मतलब अगर गढ़ की जैसे बात कर रहे हैं तो कुछ काम जो है किए होंगे इस तरीके से, क्योंकि लगातार अगर चुनी जा रही है कोई पार्टी तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम जो है हुए हैं अंकल, मतलब गाजियाबाद की अगर बात करें? नहीं, गाजियाबाद का विकास तो हुआ ही है, ऐसी बात नहीं है, मगर उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, मगर अभी हो ही रहा है, चलो देखो क्या होता है। हाँ जी, गुंडाराज वगैरह में वो तो खत्म हो गया जी, वो उसके आने से, योगी के आने से यहाँ गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ जी, नाम मात्र का, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, यहाँ सुरक्षा पूरी है, आदमी 9 बजे 10 बजे घूम सकता है, पहले तो यहाँ से 8:30 बजे बंद हो जाता था। अंकल जी एक और सवाल है, जैसे राम मंदिर का काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बना था, तो राम मंदिर जो बना तो कहा गया कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए राम मंदिर जो है इन्होंने बना दिया और जनवरी में इनॉग्रेशन जो है उसका कर दिया, तो क्या लगता है कि राम मंदिर का जो ये काम हुआ है जिसे लेकर विपक्ष कह रही थी कि वोट बैंक के लिए क्या गया है? तो नहीं, उससे तो कोई नहीं, ये तो काम देखो अपने धर्म का है, इसमें तो करा तो बहुत अच्छा करा है,
तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। राम मंदिर भी क्या, तुम वहाँ के उधर भी करा है, सब जगह करा है, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, धर्म के नाम का होना भी चाहिए। हाँ जी, ये जो विपक्ष कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं, ये कोई बात नहीं, ये तो जब जहाँ जीतते हैं वहाँ नहीं कहते कि यहाँ पे हुआ है, वहाँ भी तो कहना चाहिए ना, ये जब हार जाता है आदमी कुछ ना कुछ तो कहेगा ही ना। तो पहला सवाल हम ये कर रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ विपक्षी गठबंधन है इंडी गठबंधन, तो क्या लगता है कि मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा? वापसी होगी मोदी जी की। कारण सर? कारण तो बहुत सारे हैं, अब एक तो मैं बताऊं। बताइए आप कोई कमी बता दो, मतलब कुछ कारण, कुछ काम ऐसा जिससे आप प्रभावित हैं? सारे कामों से प्रभावित हैं जी, देखो बुरा हर किसी में होती है तो अच्छाई भी होती है, अच्छाई सब में होती है, और अच्छाई को देख लो, बुराई को देखेंगे तो कुछ सब बेकार है, अच्छाई देखो सब अच्छे हैं। तो क्या ऐसे अच्छे काम जो है मोदी जी के आपको लगे हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वापसी होगी? फैसले, फैसले, अटल फैसला, अटल फैसला, कुछ फैसले ऐसे? सारे फैसले अच्छे लग रहे हैं, सारे अच्छे फैसले लगे। अच्छा, यहाँ से जो है बीजेपी के प्रत्याशी है अतुल गर्ग जी, और कांग्रेस ने जो है डॉली शर्मा जी पर भरोसा जताया, तो क्या लगता है कांटे की टक्कर होगी? एक तरफा, एक तरफा होगा, एक तरफा मतलब क्या अतुल गर्ग के लिए? हाँ बीजेपी होती है यहाँ पे, तो बीजेपी तो। आपका नाम? विनोद कुमार। एक तरफ मोदी जी है वापसी की बात करें, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें कई सारे और चेहरे, क्या लगता है मोदी की वापसी या विपक्ष में? मोदी वापसी आएंगे। कारण? कार्य सारे अच्छे ही हो रहे हैं। क्या काम ऐसे जिससे आप प्रभावित? मान लो अगर सड़क है, कुछ भी है, सारी चीजें बढ़िया बननी है। अच्छा, मार्केट थोड़ी ढीली है लेकिन क्या कहें, वो भी थोड़ा आस्ते आस्ते सही हो जाएगी, अब देखो चुनावों में क्या होता है। बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग और कांग्रेस ने जो है फिर से डॉली शर्मा जी पर भरोसा जताया, तो क्या लगता है कि मुकाबला बराबर का होगा या एक तरफा? एक तरफा ही लग रहा है जी हमें तो अभी तक। अच्छा, कारण? एक तरफा ही होगा, जीतेगा मोदी ही। अच्छा, कहीं से भी कुछ भी हो, जीतना आना उन्हें ही है। तो कारण सर, कुछ स्पष्ट कारण ऐसे बताइए जिससे लगातार जो है गाजियाबाद को अब बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी को काफी बार यहाँ से मौका मिला है, तो क्या ऐसे स्पष्ट कारण? गाजियाबाद ही गढ़ थोड़ी ना है, ये तो सारा उत्तर प्रदेश ही गढ़ है। अच्छा भाई, टोटली वही देंगे और होना भी चाहिए, अगर हिंदू तब बढ़ाना है तो मोदी ही आएगा। तो सवाल पूछ रहे हैं चुनाव से जुड़े हुए, तो एक तरफ मोदी जी हैं वापसी की बात कर रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है उसमें भी कई सारे चेहरे, तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी कि विपक्ष में कोई चेहरा? मोदी जी की। कारण सर? मोदी जी के हर समाज में जो गुंडागर्दी, योगी जी की गुंडागर्दी खत्म, और दूसरा एक जो महिला है वो परेशान थी गुंडागर्दी से, जब से योगी जी आई, जब से योगी जी मोदी जी आई, जब से गुंडागर्दी खत्म है। यहाँ से जो है बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया अतुल गर्ग को, और दूसरी तरफ जो है डॉली शर्मा जी है, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है बराबर का होगा कि एक तरफा होगा? मुकाबला बीजेपी का रहेगा, बीजेपी का रहेगा। तो अच्छा, अतुल गर्ग जी की अगर बात कर ले, तो अभी जैसे है कि इससे पहले कोई और था बीजेपी का प्रत्याशी, लेकिन इस बार जो है मौका मिला, तो क्या प्रत्याशी के उससे फर्क पड़ा है या फिर मोदी जी के नाम पर ही वोट? मोदी जी के नाम, मोदी के नाम पर है। स्वास्थ्य, काम कार्य सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो कुछ काम बताइए जिससे आप जो है प्रभावित है, क्योंकि गाजियाबाद में लोग जो है लगातार बीजेपी को चूमते आए हैं, गढ़ भी कहा जा रहा है बीजेपी का, तो ऐसे में क्या ऐसे काम है जैसे आप बहुत प्रभावित हैं? मैम जैसे कि गाजियाबाद में बहुत अच्छे काम करें, जैसे स्कूल में है, जैसे MMG है, कभी सुनाई नहीं हो रही थी, अब MMG में हॉस्पिटल में नाम सुनाई होती है, अब जैसे कोई सड़कें हैं, सड़कें भी पूरी कार्य सफलता से करी है, अच्छा वो है, व्यवहार ठीक है कुल मिलाकर। आपका नाम? संदीप कुमार। अच्छा, एक तरफ मोदी जी है वापसी की बात कर रही है, कह रही है 405 के साथ जो है वापसी करेंगे, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें कई सारे चेहरे, तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा है जो टक्कर देगा? अभी तो फिलहाल मोदी की बात है, मोदी की वापसी है। अच्छा, कारण? कारण क्या है, जो लोगों की जनता का रुझान यही है कि जो सिर्फ मोदी आए। अच्छा, और कुछ नजर विकल्प कोई नजर नहीं आता। हाँ, तो जो ऐसे इंडी गठबंधन है, हाँ, ये एक साथ आया है कि एक साथ आके जो है मोदी को हराना है। हाँ, कई सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी भी है, केजरीवाल तो जेल चले गए, तो ऐसे में इतने सारे चेहरे हैं, तो विकल्प के तौर पर इन चेहरों को क्यों नहीं देखा जा रहा? अब लोगों के जो वो है ताकत है, जो वो सिर्फ उस औरों पर नजर नहीं आती, किसी को सिर्फ मोदी के एक नजर आता है, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी ने यहाँ से जो है गाजियाबाद से प्रत्याशी उतारा अतुल गर्ग को, और दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से है डॉली शर्मा जी, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है बराबर का होगा, टक्कर वाला होगा या फिर एक तरफा होगा? नहीं, मुकाबला तो टक्कर का होना चाहिए देखो, लेकिन फिलहाल तो जो अब है आगे समय बताएगा कि कौन सा कौन जीतता है, कौन हारता है। अच्छा,
गाजियाबाद की अगर बात कर ले तो लगातार जैसे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को काफी बार मौका मिला है, गढ़ भी कहा जा रहा है, क्या ऐसा कारण है या कैसे काम हुए जिसकी वजह से लगातार अगर बीजेपी को मौका मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक कारण? जो दूसरी पार्टी है ना वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई, इसकी वजह से जो सारा रुझान जो है मोदी जी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, इस वजह से जो दिमाग में लोगों के है कि ये बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, जब सरकार में सत्ता में जैसे परिवर्तन आया, बीजेपी आई, तो गुंडा राज वगैरह में कमी, ये ऐसी सारी चीज़ें कुछ देखने के लिए मिली है? देखो पब्लिक को तो अभी लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क। हाँ हाँ। आपका नाम? अनुज। अच्छा, एक तरफ मोदी जी है वापसी की बात कर रहे हैं 400 पार के साथ, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है इंडी गठबंधन जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश, ममता, कई सारे चेहरे, तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा जो टक्कर देगा? मोदी जी की वापसी। कारण से? काम अच्छा कर रहे हैं, क्राइम कम है, इस चीज का फर्क है सब। अच्छा, तो बीजेपी ने अतुल गर्ग को जो है यहाँ से टिकट दिया है, और अतुल गर्ग का सवाल नहीं होता, अच्छा कोई भी हो, बीजेपी से काम मोदी जी कर रहे हैं, अच्छे वो हैं, इसलिए मोदी जी की वापसी होगी। अच्छा, तो मोदी जी की बात कर लेते हैं कि मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित है, जिससे आप कह रहे हैं कि मोदी जी की वापसी होगी? कम है और सड़कों का निर्माण हुआ है, इस चीज़ का बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, राम मंदिर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, राम मंदिर का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, काम अच्छा करा है, क्राइम कम है, आज जो बहन बेटी निकल रही हैं घरों से वो अच्छा वो है कि कोई भी हावी नहीं होता इस टाइम, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन बस एक बीजेपी में एक ही वो है कि जो मार्केट स्लो है, मार्केट डाउन जा रही है, ऑनलाइन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी व्यापारों में आ गई हैं, इससे प्रभावित है बस, और कोई वो नहीं है मोदी जी का। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि बात कर लेते हैं, डॉली शर्मा जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, अतुल गर्ग जी बीजेपी की तरफ से है, तो मुकाबला आपको लगता है कि थोड़ा मुकाबला होगा या एक तरफा आपको लगता है कि जीत होगी? एक तरफा मोदी जी आएंगे और अतुल गर्ग जी आएंगे। अच्छा, लेकिन अतुल गर्ग तो जैसे बीजेपी के ही प्रत्याशी है, तो आप मतलब चेहरा कोई भी हो मोदी जी के नाम पर? मोदी जी आएंगे। मोदी।